हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे पुलिस कर्मचारियों का मामला लेके आए हैं जिसके बारे में जान के आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आपको ये मामला एक्चुअली में कोई पिक्चर से कम नहीं लगेगा, पर ये हकीकत जरूर है। और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी चीज बता दें कि 12 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे किया गया, इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, वो भी पुलिस कर्मचारियों के हाथ से, काफी संसदीय खेत खबर है, कहां से आ रही है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जरूर मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने एक्चुअली में गोरखपुर का है, पर यहां पर एक लूट हुई है। गोरखपुर से दो शख्स जो है सरफा बाजार में काम करते हैं, उनके पास काफी चांदी सोना गहने ये थे। उसी दौरान ही उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले पुलिस कर्मचारी, जो बस्ती जिले की जो पुलिस कर्मचारी है, उनको एक्चुअली में इसकी सूचना मिली कि बस में एक्चुअली में दो जो लोग हैं वो आ रहे हैं और उनके पास काफी सारी चीजें हैं, यानी कि सोना चांदी गहने हैं, और सुबह एक्चुअली में 11 बजे तक वो वहां पर पहुंच जाएंगे। इसकी सूचना जानने के बाद पता चला कि एक्चुअली में एक आदमी के पास कम से कम 11,10,000 रुपया था और 6 लाख रुपए के गहने थे। दूसरे आदमी के पास 8 लाख रुपया था और काफी ज्यादा करीब गहने थे। इस दौरान ही ये पूरा मिला के 15 लाख रुपए के गहने बताए जा रहे हैं और पूरा एक्चुअली में ये बताया जा रहा है कि 19 लाख रुपया नकदी उनके पास थी। इस दौरान ही जब वहां के पुलिस कर्मचारियों को इसके बारे में पता चला, पता चलने के बाद वो बस स्टैंड पहुंचे, क्योंकि ये लोग बस में सफर कर रहे थे। बस स्टैंड में पहुंचने के बाद पुलिस कर्मचारियों ने ब्लैरो गाड़ी का इस्तेमाल किया और इन दोनों को पकड़ लिया और वहां पर ये चीज बताई कि वो तस्करी कर रहे हैं, इन चीजों की स्मगलिंग कर रहे हैं, और उनको पकड़ के ब्लैरो में बिठा के वो कहीं और जगह पर ले गए, ना कि पुलिस स्टेशन लेके गए। वहां पर उनको मारा पीटा, काफी सारी चीजें गाली गलौज दी और पूरा पैसा लेके वहां से फरार हो गए। इसके बाद वो दोनों व्यक्तियों ने जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाके ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक्चुअली में जो पुलिस कर्मचारी थे, वो 12 पुलिस कर्मचारी थे, वो जो चोर थे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी पुलिस कर्मचारियों की। इसके बाद जो है पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई। एक्शन में आने के बाद जहां पर वारदात हुई थी, वारदात होने के साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर खंगाले गए, तो इसका खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद अभी बताया जा रहा है कि 12 के 12 पुलिस कर्मचारियों को एक्चुअली में सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। और उसी के साथ ये पूरा कैश बरामद करने के बाद 19 लाख रुपया पूरा लगभग कैश है और 15 लाख रुपए के लगभग गहने हैं, जो कि गोरखपुर से वो एक्चुअली में लेके जा रहे थे। बस में वो सवार थे और एक ही बैग में सब चीजें रखी हुई थी। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये कहानी जो फिल्मी से कम नहीं लगी होगी, इसके बारे में जरूर कुछ बताएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।